ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। क्या नहीं बना रही है एसएस राजामौली RRR2? क्या कहना है एसएस राजामौली का RRR2 को लेकर? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटर बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है RRR मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो आए दिन फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन बदले में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपसे इतना भी नहीं होता, कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। साल 2022 की दूसरी सबसे बड़ी सफल मूवी बनी बाहुबली। फेम निर्देशक SS राजामौली की RRR ने देश भर के सिनेमाघरों को हिला कर रख दिया था। टॉलीवुड सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के साथ अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारों से सजी निर्देशक राजामौली की मूवी RRR को देश भर के दर्शकों से बेपनाह प्यार मिला। इस मूवी की रिलीज के साथ ही कयास लगने लगे थे कि क्या निर्देशक SS राजामौली मूवी का दूसरा पार्ट भी लेकर हाजिर होंगे। हालांकि ऐसे कयासों पर खुद निर्देशक राजामौली मूवी के रिलीज के बाद ठंडा पानी डाल चुके थे। निर्देशक राजामौली ने कहा था कि वो इस मूवी के दूसरे पार्ट की तैयारी में नहीं है। मगर आप कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स की माने तो RRR का दूसरा पार्ट आ सकता है। फिल्मी हलकों से छनकर सामने आ रही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक SS राजामौली के पिता और मूवी बाहुबली RRR फिल्मों के लेखक KV विजेंद्र प्रसाद ने RRR2 के लिए अपने निर्देशक बेटे को आइडिया दिया है, जो राजामौली को पसंद भी आ गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो निर्देशक राजामौली मूवी RRR का दूसरा पार्ट भी लेकर सामने आ सकते हैं। इधर फिलहाल राजामौली अपनी अगली मूवी की तैयारी में है। निर्देशक राजामौली जल्द ही टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू के साथ अपनी अगली मूवी लेकर आने की तैयारी में जुट चुके हैं। ये मूवी अभी भी प्री प्रोडक्शन फेज में है। निर्देशक राजामौली अपनी मूवी को लंबा वक्त देने के लिए जाने चाहते हैं। जाहिर है अभी इस मूवी के फ्लोर पर जाने में काफी वक्त लगेगा। इसी बीच महेश बाबू निर्देशक त्रिविक्रम की अगली मूवी की शूटिंग पूरी करेंगे, जिसके बाद ही वो इस मूवी को शुरू कर सकेंगे। चर्चा ये भी है कि राजामौली महेश बाबू की मूवी के बाद महाभारत की भी प्लानिंग में है। ऐसे में दिलचस्प होगा कि राजामौली अपनी किस अगली मूवी के नाम का ऐलान करते हैं। सो गाइज, आपको अगर आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।